और इसका टाइटल अलग समन पर है, ऊन का कुत्ता ऊन का कुत्ता है मतलब। हाँ हाँ, तो अब वो किताब जब मैंने उनको भेजी और सब कुछ फाइनल हो गया, वो उस पर काम चल रहा था उनका, तो उनका कुत्ता मैंने लिखा नहीं था। बरसों से वो कहानी मेरे जहन में थी कि मैं कभी उसको लिखूंगा लिखूंगा। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं उसको लिखूंगा यार, देखेंगे लिख लेंगे। तो अब ये हुआ कि वो किताब तो वो छप गई वहां से, लेकिन उनका कुत्ता उसमें शामिल नहीं। उनका कुत्ता मैंने लिखी अभी 2-3 महीने पहले। अच्छा, अब जो किताब, अच्छा अब काफ कहानी का हम एक पाकिस्तानी एडिशन शाया कर रहे हैं, मेरे एक दोस्त का इदारा है तर्जुमान के नाम से, मुफ्ती किताबों के तर्जुमे भी करते हैं वो। अच्छा, वो छाप रहे हैं और उसमें वो उनका कुत्ता शामिल होगी। काफ कहानी ही है वो, उसका टाइटल अच्छा। चेंज होगा उस किताब से, और उसमें उनका कुत्ता कुछ तरामीम और इजाफा होगा उस किताब में, और उनका कुत्ता भी उसमें शामिल होगा। इंशाल्लाह हम आपकी नजर करेंगे, बल्कि अपनी दीगर किताबें भी हम आपको देंगे। बिल्कुल पढ़िएगा, उसमें लंबी लंबी कहानियां हैं, उसमें मेरी वो 30-32 साल की लिखी हुई नई पुरानी बहुत सारी कहानियां हैं। और हमारे भी ये सारी चीजें नोट कर रहे होंगे और वो भी इंशाल्लाह आपकी बुक को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये सरासर हमारे लिए ही सीखने का सबब होगी, हमारे लिए ही एक किताबी जो है एक दर्जगाह की है। देखिए ये तो लगन की बात है, जिसमें लगन होगी वो सीख लेगा। हमें लगन थी, हमने हमने जान लिया रदीफ काफिया कैसे होता है, बहर कैसे होती है, तलाजमा कैसे होता है, तजाब की सनद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहानीपन क्या। देखें अफसाने में क्या होता है, अफसाने का गैर मतवक्को होना उसकी खूबी होती है। पढ़ने वाला जब वो लगे कि ये राइटर अपने पढ़ने वाले को जिन गलियों में घुमा रहा है, जब इस गलियों से आप बाहर निकलेंगे तो आपके सामने क्या मंजर होगा, वो अंदाजा ही ना लगा सके, अंदाजा ही ना लगा सके। और उसके लिए आखिर में काफी अचंबा हो, काफी एक अचंबा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे उनका कुत्ता है कि वो हक्का बक्का वो कहता है कि मैं अपनी किताबों को सीने से लगा के खड़ा रहा। देख लें, अच्छा ये किताबें यहाँ पे अलामत हैं, ठीक है ना, कलम वाले किताब वाले वो अलग लोग हैं, पैसे वाले अलग है। हिंदू मिथोलॉजी में जैसे कहते हैं कि सरस्वती देवी जो है वो इल्म की देवी है, और जो लक्ष्मी देवी है वो दौलत की देवी है, मालो दौलत। तो ये दोनों की आपस में बनती नहीं, दोनों जो है वो सौतने हैं। ये हिंदू मिथोलॉजी में एक बात है कि जो लोग पैसा कमाने में लग जाते हैं वो इल्म अदब और किताबों की तरफ उनका इतना बहुत ज्यादा वो नहीं होता, और जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं और जो किताबें जमा करते हैं वो पैसा वैसे कमाने की तरफ, क्योंकि शायर मार्केटिंग नहीं कर सकता ना, शायर मार्केट का आदमी होता ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन ये भी हमारा ही एक फर्ज है कि हम एक दूसरे को सिखाएं और आप से सीखें और लगन पैदा करें, ताकि जो है ये सिलसिला रुक ना जाए, आगे भी इसी तरह की तख्लीकात। बिल्कुल, ये चिराग जलते रहने चाहिए, चिराग से चिराग जलता है। इसी तरह रिवायात होती है, लेगेसी होती है, या आपकी अदबी रिवायात है, ये आगे चलेंगी। और देखिए आप लोगों से ही हम सीखेंगे और हम सीखने जी, हम तो हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए बिल्कुल, और जब आप चाहें हम आपसे बात करेंगे, और जो भी आप कोई सवाल हो किसी भी हवाले से आप बात करें, किसी आपके जो ऑडियंस हैं, जो सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, अगर वो भी कोई सवाल भेजते हैं आपको, वो चाहते हैं कि उसका जवाब दिया जाए, तो आप हमसे किसी भी वक्त बात कर सकती हैं, हम बिल्कुल तसल्ली बख्श जवाब देंगे, ताकि अगले के लिए, हाँ ताकि अगले शख्स के लिए उसके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हैं, मैं एक बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो मिस हैं बिल्कुल ना, कि वो लोग गलत समझते हैं चीजों के बारे में। एक कहीं बात हो रही थी तो हमने बगैर स्त्री के शर्ट उठाई और ऐसी पहन ली, तो हमारी बेगम साहबा कह रही कि यार ये बगैर स्त्री के शर्ट आप, मैंने बोला यार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन से कपड़े सी करके पहनते थे, या ईसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी स्त्री थी। तो हम तो बड़े लोगों के पीछे चलने वाले हैं ना, सुकरात क्या स्त्री करके कपड़े पहनते थे 2500 साल पहले, उससे भी भगवत ईसा के आने से भी 500 साल पहले तो स्त्री नाम की चीज ही नहीं होती थी कोई। तो बात यह है जिंदगी बहुत जजमेंटल हो गई है। जी 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 जी, और उसकी वजह यह है कि आप उसको कंट्रोल नहीं करते ना। जी जी, हम उनसे सबसाइड हो जाते हैं ना।
हम उनकी बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं। पैसे वाला आदमी आपके सामने बैठा है नीचे, उसने ला के जो 30 लाख की गाड़ी खड़ी की है, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती आप उससे पूछे कि भैया खरीदी कहाँ से, ये सैलरी तो तुम्हारी 40,000 रुपए, 30 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई, हम हिम्मत ही नहीं करते। मैंने एक दोस्त, एक मेरा दोस्त है, उसकी 40,000 सैलरी थी और वो गाड़ी लेके आया 26 लाख रुपए की, तो मैंने उसे कहा बाबू ये गाड़ी सैलरी तुम्हारी, तो कहने लगा भाई ये गाड़ी सैलरी से थोड़ी आती। तो बात यह है कि आपने उन चीजों को बड़ी आसानी से